नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दीपावली का शुभ त्योहार लाए आपके घर में सुख शांति और खुशियों की बहार। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। आज पूरा देश जगमगा रहा है। दिवाली के पावन त्योहार को धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार दीपावली खास अयोध्या वाली भी है, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है और इसीलिए इस बार तैयारियां भव्य और दिव्य रूप से की गई है। पर बात राहुल गांधी की करें, कांग्रेस पार्टी की करें, तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस पार्टी धूमधाम से दीपावली सेलिब्रेट करती तो नजर नहीं आ रही है। 10 जनपद पर भी मायूसी है। राहुल गांधी वैसे कभी भी दीपावली सेलिब्रेट करते नजर तो नहीं आते हैं, ना ही आज तक राहुल गांधी ने अपनी कोई फोटो शेयर की है। तो चुनावी हिंदू चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर घूमने वाले राहुल गांधी आखिर पावन अवसर पर क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों सनातन से राहुल गांधी को इतनी दिक्कत है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज पूरे देश क्या विदेश में भी दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी को हिंदू त्योहारों से इतनी नफरत क्यों है? देखिए, राहुल गांधी हिंदू रहेंगे तभी तो हिंदू त्योहारों से इनका अच्छा नाता रहेगा या उसको दिल से मनाएंगे। अभी 10 जनपद के अंदर अंधेरा है। क्यों? क्योंकि पूरा गांधी नेहरू परिवार ये चला गया है शिमला, मौज मस्ती करना है। दीपावली के समय में 10 जनपद में दीपक जलाएंगे या कुछ लाइट्स जो सामान्य तरीके से है वो सिक्योरिटी गार्ड के हवाले छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही पता था कि 10 जनपद में ये सब मिलजुल कर रंगोली नहीं बना सकते। इनके अंदर वो आस्था नहीं है, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए। सोनिया गांधी तो कैथोलिक है ही और उन्होंने कभी भी ये नहीं मेंशन किया है कि हमने अपने धर्म को बदला है। जब वो सिटीजनशिप ही हिंदुस्तान के लेने के लिए 20 सालों का इंतजार करती रही, तब तक का इंतजार करती रही जब तक कि इनको राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। राजीव गांधी से शादी भी इनकी जो हुई थी स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई थी। इन्होंने अपना धर्म बदल कर शादी नहीं की थी। एक हिंदू यानी कि राजीव गांधी जो भी मानते हो, आस्था जो भी है, लेकिन उनके नाम के आगे तो हिंदू शब्द लिखा हुआ था। और ये सोनिया गांधी जो मानती ही थी कैथोलिक ईसाई हैं वो, लेकिन अगर शादी होगी दोनों के बीच तो या तो कैथोलिक ईसाई से ये हिंदू बन जाए और हिंदू रीति रिवाज से शादी हो, या तो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी हो। और यही हुआ क्योंकि ये अपने धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब ये नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी तो धर्म क्या छोड़ेंगी? और उसके बाद लगातार इनके साथ वही स्थिति रही। अब राजीव गांधी छोड़कर चले गए। अब उसके बाद और उससे पहले ये सोनिया गांधी ने ही ज़्यादातर समय बिताया प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी उसके बाद विदेश चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पर भी इनके इर्द गिर्द जितने दोस्त हैं, ज़्यादातर जितनी रिपोर्ट्स आई है इनके कॉलेज लाइफ के बारे में, वो कौन सी रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट यही है कि ये कोलंबिया के क्रिश्चियन लड़की के साथ अफेयर में रहे, या इनके दोस्त इर्द गिर्द जितने रहे वो क्रिश्चियन रहे या मुसलमान रहे। हिंदू दोस्तों के बारे में कहीं जिक्र भी नहीं किया गया है, जबकि एक बांग्लादेशी पत्रकार ने पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट दिया था राहुल गांधी के उन कॉलेज लाइफ के जिंदगियों के बारे में, उसमें भी यही बात कही थी कि हिंदुओं से राहुल गांधी की नज़दीकी कभी नहीं रही। ये हमेशा क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, ये दोनों के प्रति झुकाव रखते थे। और ऐसे भी झुकाव रखने के पीछे कारण है, ये सामी धर्म बोले जाते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या यहूदी हो, ये सारे एक ही परंपराओं के धर्म हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ा दूसरे धर्म को लेकर, जो ये सेकुलर सेकुलर कहते हैं, ये सेकुलर का मतलब है ये सामी धर्म के बीच सेकुलर निरपेक्षता, यानी अब्राहमकन धर्म जो है, क्रिश्चियन हो या यहूदी हो या फिर तीसरे स्तर पर इस्लाम हो, इन तीनों के बीच ये सांप्रदायिकता नहीं चाहते, तीनों के बीच सामंजस्य चाहते हैं, जैसा सेकुलरिज्म में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच सेकुलरिज्म चला था। तो राहुल गांधी इसी मानसिकता के हैं, बड़े हुए इसी मानसिकता के साथ, हिंदुस्तान में आए इसी मानसिकता के साथ, वापसी किए तो पढ़ाई लिखाई के बाद, लेकिन अचानक से इनका सारा दूसरा जो धंधा था वो खत्म हो गया। जैसे सोनिया गांधी का,
सोनिया गांधी न चाह और चाहने की बात थी नहीं, लेकिन फिर भी राजीव गांधी की हत्या के बाद कुछ समय तक दूरी बना के रखी और इनडायरेक्टली राजनीति सीखती रही। उस समय तक सीखी नहीं थी और अपने सलाहकारों से सीखते सीखते जब लगा कि अब हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल कर लिया कांग्रेस को। उसके बाद राहुल गांधी के साथ यही स्थिति है, वहां से लौट कर आने के बाद ऑब्जर्व करते रहे, ये कुछ काम धंधा शुरू करने की कोशिश किए, कंसल्टेंसी सर्विस शुरू किए, लेकिन इनका वो चल नहीं पाया। इनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो कोई बिजनेस चला सकें, तो इसलिए फिर से राजनीति अपना परंपरागत धंधा इनका है, इनके पारिवारिक धंधा है ये। और वो 2004 में जब आए तो इनको लगा कि अब धीरे धीरे हमको हिंदुस्तान की राजनीति के अनुसार हिंदू बनना जरूरी है। और फिर उन्होंने शुरुआती दौर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपने आप को बाहर रखा, मतलब सरकार से बाहर, पार्टी में एक सामान्य स्थिति सांसद की बनी रही और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते रहे। लेकिन जब सरकार चली गई इनकी तो उसके बाद मजबूरी हो गई कि ये अपोजिशन पार्टी में कांग्रेस के नेता बनकर उभरे ताकि आगे प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करें, और ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी इनके कंधों पर, तो फिर ये मंदिर मंदिर जाना शुरू किए। कौन सी आस्था इनके अंदर है? कोई भी हिंदू पर्व त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए क्या राहुल गांधी को देखा गया है? कभी नहीं। ये दो तरह की मानसिकता है इनके अंदर, एक तो यह है कि दिखाना है जरूरी, क्योंकि हिंदुओं को बांटने के लिए हिंदू होना जरूरी है। अगर एक मुसलमान नेता बात करता है जातीय आधार पर बटे हुए हिंदू समाज की, अगर कास्ट सेंसस की बात करेगा तो उसको यह जवाब दिया जा सकता है कि तुम्हारे धर्म में भी तो कई जातियां हैं। लेकिन जब हिंदू ही जयचंद बनने की कोशिश करे, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करे, तो फिर हिंदू उस पर ऐसे सवाल नहीं डायरेक्ट उठा सकता कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। राहुल गांधी के साथ यही है। तो इसलिए इन्होंने जिस तरीके से अपने आस्था और अपने ऊपरी आवरण में पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, वही एक्सपोज होता है ऐसे मौके पर। नवरात्रि के समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे किसने देखा? ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देंगे और शुभकामनाएं दे देंगे, वो भी अब जबकि इनको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब लोग देते हैं। लेकिन आजकल तो राहुल गांधी को रील्स बनाने का बड़ा शौक है, वो अपना यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डालते हैं, एक सेलिब्रेशन का वीडियो या फोटो तो डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, ये दशहरा में भी डाल सकते थे, ये दीपावली में भी डाल सकते थे, लेकिन दीपावली में इन लोगों को एक और बहाना मिल गया है ये वनवास जाने का, दिल्ली का पोल्यूशन, और इसका बहाना इन्होंने पिछले 2-3 सालों से शुरू कर दिया है। जब से सोनिया गांधी के बारे में कहा गया इनकी सांसों के प्रॉब्लम है, ये बाहर निकलती है मास्क लगा के निकलती है, तो ये क्या करने लगे, ये दीपावली के समय दिल्ली से शिफ्ट होकर शिमला चले तो जाते हैं। शिमला में भी तो सेलिब्रेट कर सकते, और शिमला में ये फॉर्म हाउस है, अपना घर है प्रियंका वाड्रा का, जिन्होंने इन लोगों ने कांग्रेस के लुटे हुए पैसे से बनाए थे। उस समय भी सवाल उठा था जब प्रियंका वाड्रा को वहां जमीन अलॉट हो रहा था, और उस जगह पर ये लोग जाते हैं और वहां जाने के बाद ये बंद हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब वहां पर किस बात का दौर चलता है ये तो यही तीनों बता सकते हैं कि वहां ये जाकर क्या करते हैं, वहां कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर की खुशी और सेलिब्रेशन एक ही मौके पर दिखाई पड़ती है, और वो है जब 25 दिसंबर के बाद का माहौल आता है। उस समय ज्यादातर राहुल गांधी ये कोशिश करते हैं कि ये देश से बाहर जाए, लंबी छुट्टी पर जाए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उस समय भी अचानक से रोक लगा दी, 10 दिन का चाहिए भाई, क्रिसमस आने वाला है। उस समय इनके चेहरे पर खुशी होती है और ये मौके की तलाश में रहते हैं कि उस समय 8-10 दिन के लिए हम बाहर चले जाए, हिंदुस्तान में तो ये दिखा नहीं सकते, ये बता नहीं सकते कि हम क्रिसमस को इतने धूमधाम से मना रहे हैं। होली, दीपावली, दशहरा, होली मिलन समारोह आज तक राहुल गांधी के बंगले पर हुआ या 10 जनपद पर हुआ या दीपावली मिलन समारोह, ये कांग्रेसी नेता हैं, ये लोग सब मिलजुल कर बैठक ही करते, और सब मिलकर कम से कम 8-10 बड़े नेता हैं उनके साथ राहुल गांधी दीपावली मनाते, जलेबी ही खा लेते। लेकिन ये स्थितियां इनके अंदर नहीं है, इसलिए ये दीपावली के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली छोड़कर ये शिमला के फार्म हाउस में कैद हुए मौज मस्ती मना रहे हैं, ये दिखाता है कि गांधी परिवार राजनीति भले ही हिंदुओं की कर ले, हिंदू होने का नौटंकी जरूर कर ले, लेकिन आस्था इनके अंदर नहीं है, और जब आस्था नहीं रहेगी तो आप धर्म की रक्षा
करने का बीड़ा नहीं उठाओगे। यही अंतर भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं में और कांग्रेस के नेताओं में है कि ये चुनावी हिंदू बन सकते हैं, आस्था के आधार पर हिंदू नहीं हो सकते। इसीलिए ये हिंदू विरोधी राजनीति कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं और हर समय इनके मन में यही होता है कि कैसे भी हिंदुओं के बीच ऐसी फूट पड़े जिससे कि इस्लाम यहां पर वो बैलेंस बनाने वाली राजनीति के आधार पर हो जाए। अभी 20% है, जहां पर मुसलमान ज्यादा होते हैं, कांग्रेस की स्थिति देखिए, केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, या फिर बिहार के सीमांचल में देखिए। मोहम्मद जावेद एक सांसद बन के आता है और वो सीमांचल से ही है, इसलिए कि वो पूरा 70% मुस्लिम इलाका है, तो इन जगहों की तलाश में रहते हैं। इसलिए इनको लगता है कि जब मुसलमान यहां 40% हो जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा, हम तो लगातार सत्ता में बने ही रहेंगे। यही राहुल गांधी का असली चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। तो वाकई में वोट बैंक की राजनीति के लिए नेता आजकल कुछ भी कर गुजर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं है। सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को दिवाली के त्यौहार से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी किसी न किसी बहाने हिंदू धर्म के प्रति अपनी नफरत जाहिर करते रहते हैं और दीपावली के त्यौहार को लेकर उनका जो रवैया है वो साफ बताता है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं और हिंदू त्योहारों के लिए कोई जगह नहीं है और इसीलिए वो 10 जनपद से भाग खड़े हुए हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।